लाइव है तस्वीरें और इस समय टाइटल आपने देख लिया होगा, एक माँ को अपनी बेटी के ब्याह में दहेज की जरूरत है। अब वो जरूरत कैसे पूरी होगी, उसको कौन पूरी करेगा, एक टेंशन जो लड़की की शादी से पहले बनती है कि दहेज देना होगा शादी के अंदर। और ये एक परिवार है, ये बाकी लोहार एक परिवार है और इस समय बातचीत करेंगे कि माँ बैठी है उनके साथ, उनके पतिदेव बैठे हैं और उनकी बेटी बैठी है, लेकिन इस समय इनके पास कोई चारा नहीं है, शादी करनी है लड़की की, लेकिन दहेज के लिए एक चिंता जो है इनकी बनी हुई है। उनसे बातचीत करेंगे, सबसे पहले बातचीत करते हैं उनकी माँ से। अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा जी सेब ना है दरंगमार राजी, मेरा कोई भी ब्योत नहीं है, किन्या की लड़की की शादी करी हर बूढ़ा है जी, जरूर अपना मदद करनी चाहिए। सेब नाम है इसकी माँ का। और भाई किस तरीके से, रुक जा भाई, रुक जा बीच में, रुक जा, थम्या रहो। तो किस तरीके से लड़की की शादी के लिए दहेज की एक चिंता इस माँ को बनी हुई है और बेटी साथ में बैठी है कि जब भी कभी शादी करते हैं तो ये काफी चिंता का विषय होता है। और उस लड़की से भी बातचीत करेंगे। तो कितने दिन से आप यहाँ रहते हैं? काफी दिन हो लिए हम तो आते, काफी दिन तो रहते हैं जी, यहाँ पड़ोस में शादी उठा रखी है, बलराज पंडित ने, और जी टूम छल्ला मेरी लड़की का कुछ नहीं है जी, हम बहुत मजबूर हाँ, और जी बलराज पंडित जी ने बरात की रोटी इसने करी है, और जी बहुत बढ़िया खाना करवाया, अपना दहेज देना रह रहा है लड़की का। बाकी भाई दहेज की चिंता है अभी, और इसने तो बुढ़े तेरे पट्टी क्या कौन जानता, तने तो पूरी लीग आउट कर दी, थोड़ी देर में बता दे तेरा तोड़ो रही थी। इले तू अपनी अपनी बता, तू नाम बता। मैं तो सीधा पत्र, इसका इसका नाम आज तक आम बदल दो रहे, इसका नाम उसका सेब है, इसका आम बदल दो नाम, ठीक है? ठीक है जी। बागड़ी लोहारा जी, घूमने फिरने वाले हरी सरडाने गाँव में से कई काफी दिन से जी हम आवा जावा जी। एक लड़की है जी, मैं अंदाज चुनता वो घरवाली की बात है, इसको दरंग मारा जी, मारा कोई ब्योत नहीं है। एक पंडित बलराज है जी, उसने एक बारात की बहुत बढ़िया शानदार रोटी दी, हर बात बाकी गांव नगरी ने भी जैसे लत्ता कपड़ा है छोटा मोटा ये भी बहुत दिया जी। हाँ जी, जी ये दे देना है टूम ठेकरी का जी, मेरा कोई ब्योत नहीं है, जरूरी गुड्डी देना है, सब कुछ देना है जी, मेरा कोई ब्योत नहीं, मैं लाचार हूँ जी, अधरंग मार रहा है, मेरे पास कुछ ही काम नहीं बनता, और जरूर दियो जी बलराज पंडित ने रोटी का खाना बनवाया परात का, बस नाम होगा उसका दावेगा। चलो हाँ, क्या क्या नाम है आपका? सोनिया जी। हाँ जी, माँ बाप, माँ बाप को भी चिंता है जी, मारे को भी है, गाँव राम का सारा लेके बैठे है जी, हम भी मारे भी सोईदा कर लियो, मारे भी सुन दादाजी, मारा इज्जत है आत्मा की कड़ी की और गाडे की जी। अच्छा हाँ, वैसे तो ममना जी कुछ नहीं बेरा है, तो अपने अंकल ने खाना जी उठ रखे है जी। हाँ जी, हाँ टूम ठेकरी कुछ नहीं बनी है जी, हाँ ना दे जाए किन्या का कुछ नहीं है, एक रोटी रोटी खाली बनी है, हाँ सब कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट ने, गाँव राम ने भाई लत्ते चाल सूट साट आ लिया, और जिसे फूक गए इसे 10-15 रुपये किन्या तो जरूर देवाएगी। अरे भाई देखियो टूम छल्ला मेरी बेटी का कुछ नहीं है, आप देखियो आज जोड़ का आपका नमस्कार है, बस थोड़ा सो नाम से खर खोदे से बरात आई है जी, खर खोदे से बरात आई है, हाँ और जी इतना लड़की ने मैं ब्याली ब्याली भेजूंगी, जितना मेरी बेटी का दहेज यहाँ नहीं आंदा ना, इतना अपनी बेटी ने नहीं भेज दी मैं। अडाना गाँव के जो लोग है सभी को ये कहती हुई की भाई अभी जो कन्या के लिए जो अंगूठी देनी है और जो हार देने हैं वो अडाना गांव देगा, क्योंकि खाना जो है भाई ने होटल उनसे बातचीत करेंगे। आज प्रधान जी पूरा परिचय, आप अपना पूरा परिचय देंगे। नमस्कार जी, मैं रणवीर शर्मा उर्फ बलराज, गांव अडाना, सदस्य ब्राह्मण सभा डिस्ट्रिक्ट करनाल। ये गरीब लोहार बागड़ी थे, इनकी लड़की की शादी थी और जी इनका कोई जुगाड़ नहीं था, ये बेचारी अधरंग है इस लेडीज को। शर्मा जी जैसे 1100 रुपए बता रहे थे आप देने के लिए। हाँ जी, पहले मैं 1100 रुपए देने आया था, मेरे घर वाली सूट और 2 टूम देगी थी इसको, इसलिए ये कहने लगे जी हमारा खाने का जुगाड़ नहीं है, हमारा खाने का जुगाड़ करो और दहेज करो। तो जी खाना मैंने अकेले ने कर दिया इनका, जो भी बारात के इनके 100 आदमी आओ, 50 आओ, 150 आओ,
वो खाना मैं अकेला करूंगा, बाकी इनको गाँव से जो सहायता मिलेगी ये अपनी ले लेंगे। खाने में जितना भी लगेगा 50,000 लगो लाख लगो मैं अकेला लगाऊंगा जी। भाई इस प्रकार के व्यक्तियों की समाज को बहुत जरूरत है, पूरा खाने का जो वो इन्होंने ओट लिया है। और ये बागड़ी लोहार होते हैं जो गांव गांव में दर दर इधर से उधर जो है अपना गांव बदलते रहते हैं। और क्या फिर मैसेज, अब जैसे कह रही है थोड़ा और टूम ठेकरी चाहिए, गांव की सहायता चाहिए, आज गांव ने क्या सहायता की? आज गांव लगे हुआ है, गांव ने इनको कपड़ा लत्ता सारा दे दिया है और जी गांव और भी इनकी सहायता करने के तैयार है। सारे गांव वाले कर रहे हैं कोशिश, जो भी इसकी डिमांड होगी सारी पूरी करेंगे। सारा गाँव सहायता करने के लिए तैयार है। रणबीर ने कर भाई अच्छा ठीक कर दिया, काम हो चुकी है ठीक कर दिया भाई। तो अडाना गांव में है और इस समय ये बेटी बैठी है, इसके साथ इसकी माता है और इसके पिता है। जो चिंता बेटी को बयान की, क्योंकि इन लोगों के ब्याह शादी में भी किस तरीके की होती है, आपकी शादी बरात आएगी किस तरीके से उसका स्वागत कैसे होगा, वो चीजें फेरे होगी और क्यूकर कराएंगे शादी। राजपूत बागड़ी लवार जुगी झूंपड़ी वाले आम हाँ, गवर्नमेंट पे दवा मांग रहे भाई, मेरी किन्या ने ले दो, मेरा टेंशन हो रही है। अच्छा, टूम ठेकरी बनवा दे फिर भेजूंगी। पकड़ लिया तो थारा ही सारा है जी, आप सुविधा करोगे जभी तो बात बनेगी। गाँव राम के जो लोग है अभी तो चलो नहीं क्या चालू करो ना, तो गांव राम के लोग आए हैं। इसकी आम की ओर सुन ले, इस आम की ओर सुन ले, भाई जी के सुना मैं पर सुना ही नहीं पे है। जिस गांव में तू बैठे कोई दिक्कत नहीं आओगी तने, हम हो जिस गांव में कोई बात नहीं जी, गांव ने पूरी मदद पूरी सहायता जी कर रखी, रोटी पानी बरात की भी बात बाकी देत पे जिसा पुग्या लत्ता कपड़ा जी खूब दिया, गांव ने खूब मिलकर दिया जी, नूनी जी एक ने दे सब ने दिया है। और रोटी पानी जी बलराज पंडित से बरात की रोटी उसने जी उठी है हैं जी। गांव के और मौजूद आदमी जो इस समय पहुंच गए हैं वो कुछ दान देने के लिए जो है इस समय, इसका नाम सेब है, इसका आम है, इसका आम है, आम कर दिया इसकी, इसका आम कह दियो क्या नाम है जी, आम कह दिया, थोड़ा सा पीछे रघुवीर क्या नाम है जी, हाँ रघुवीर कितने बस सेवा के हमने कमेटी ने कन्या का दान करा, हम कन्या का दान करा ये टूम छल्ला भी कौन है, मेरी बेटी का ना तो काना में ना नाक में ना पाया में ना था में जी, 40,000 का तो गड्ढा गड्ढा आवेगा, हाँ 40 का गड्ढा आवेगा और 10,000 का पिलंग बनेगा। और देखियो हाथ जोड़ के आपके आगे खड़ी हूँ, बस आज हमारा घर तो कौन है जी, झुग्गी झोंपड़ी वाले हम तो जो मौजूद आदमी है वो आशीर्वाद देते हुए और आशीर्वाद लेकर के ये बेटी गांव की मौजूद आदमी, तो सभी का परिचय इस समय लाइव है ये तस्वीरें। और ताऊ जी पूरे गांव ने बेड़ा उठाया है तो किस तरीके, अच्छा मुसलमान पट्टी मुसलमान पट्टी है, लोगों ने भी साथ दिया है, है तो सबका साथ नहीं जी, इनमें काम नहीं चलेगा जी, इसमें तो कुछ चीजें नहीं बनेगी फिर क्या फायदा है। हाँ जी धन्यवाद जी आपका, आपका नाम क्या है? सोनिया है। लाइव है तस्वीरें कुछ ही देर बाद तो नहीं है जी, इनमें क्या काम चल रहा है, इधर तो रह रहा
आप गवर्नमेंट मदद करोगे ना जब खुश होगे, हाँ गवर्नमेंट खुश करोगे ना और बेटी ना भेजोगे तुम ठेकरी का जब खुश होगे। एक बात बताओ तारी परंपरा क्या है, क्या क्या देते हो शादी में लड़की की? गाड़ा भी देवे, पलंग भी देवे, हाथा की भी पाया की हाथा की कड़ी देवे, आधे किलो की पाया की कड़ी देवे, है और एक तोड़े की कन्ना की बाली भी देवे, नाक की लकड़ी भी देवे। कब से रह रहे हो? काफी दिन तक हाजी हम यहाँ। कोई नहीं, आप कर दियो बड़ा हत्या, दान कर दियो कन्या बेचारी चली जाएगी। बस गांव राम ने बहुत मदद करी है। भाई कुछ ही देर बाद बारात जो है पहुंचने वाली है। हाँ जी हैं, क्यों क्यों यार, बारात ने बुला लेना है, हम है तो रहे स्पेशल है, तारे खातर तो आ रहे हैं, फिर बारात ने तो बुलाओ जी, तो बात बनेगी। अच्छा मुसलमान पट्टी के दो आदमी है, सारा काम के नहीं है, सारा काम के नहीं है जी, नहीं ना मुसलमान पट्टी के मारी मारी मारे दिया देनी है, मांगिया बड़े दिन में ना करियो जी, इब्बा देनी है, जो भी है मतलब इब्बा दहेज करना है, किन्या भाई देख लो बयान जोगी दादगी है। कहाँ से आने क्या, क्या नाम है जी बताइए? रणबीर शर्मा और बल्ला सदस्य ब्राह्मण सभा डिस्ट्रिक्ट करना। खाने पीने, हाँ जी हाँ जी, पूरी शादी शादी का जो जितने बाराती हैं या मेले हैं या परिवार है उनका खाने पीने का जितना भी खर्च आपने उठाया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्यों आई ये बात? ये सबसे पहले ये जी हमारे मोहल्ले में आकर रुके हुए थे और गरीब आदमी है जी, ये दूसरी जगह जाने के लिए कह रहे थे, मान नहीं भाई जब ये आके रुके हो तो हम करेंगे, गरीब आदमी है, गरीब का तो जो भी है हमने कर। तो आपकी पहल के बाद और भी गांव वाले लगातार स्टार्टिंग ही हमने की थी जी, मेरी घरवाली ने और मैंने शुरू में इनको देना था, तो उससे ये कहने लगे इसमें हमारा 1100 रुपए में और इस ऊंट से काम नहीं चलता, हमें खाने की उसकी सारी मैनेजमेंट चाहिए, तो मैंने खाने के कह दिया जी, बाकी मेरे मोहल्ले वालों ने साथ दिया, इनको सहायता करी है मोहल्ले वालों ने सारी, और जो मेरे गांव का भतीजा मेरा ये टेंट का काम कर रहा है उसने सोनू ने टेंट दे दिया। हाँ जी वो भी ये बोलिया फरी माई जी टेंट ये सोनू ने दिया टेंट जी टेंट अपना जी टेंट से कोई पैसा कोई पैसा नहीं टेंट अपना जी बाकी बाबा जी परमानेंट हमारे काम नहीं रह रहे हैं आते जाते रहते हैं जी दाऊ जी बस ये महीने दो महीने में आ जाए महीने दो महीने में इनका चक्कर लग जाए और ऐसे लग रहे हैं सभी बोलोगे तो बात क्या नाम है तेरा भाई राहुल नाम है मेरा काम क्या नाम है बहुत सभी जाकरी मारी तो लाइव है ये तस्वीरें और इस समय यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ दीपक दीपक ये दिखाओ तो यहाँ इस समय जो टेंट है वो व्यवस्था हो चुकी है खाने का जो व्यवस्था है वो भी लगातार हो चुकी है बारात यहाँ पहुँचने को है और हलवाई अपना काम जो है कर रहे हैं हलवाइयों ने सब्जियाँ रोटी और सब ले भाई इन्होंने अपना पूरा काम जो है वो यहाँ जमा दिया है होगी जी सब्जी सब्जी तैयार हाँ तैयार है जी सारे तैयार है हाँ जी हाँ जी फर्स्ट क्लास किस प्रकार से एक व्यक्ति के मन में आता है कि मान लीजिए ये बागड़ी लोहार है तो गांव के बीच में बसते हैं इनकी सहायता करनी चाहिए पूरा का पूरा खाने का और उसके साथ साथ इस टेंट का और इसके अलावा जो राशि धनराशि उसका जो काम है वो यहाँ गांव के कुछ मौजूद आदमियों ने ओट लिया है और इस माँ की चिंता दहेज की वो भी कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है और इस गाँव का अडाना का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस तरीके से अभी थोड़ी कुछ ही देर बाद जो है बारात पहुंच जाएगी ये सगी संबंधी शादी में बाहर से आए या यहीं से बाहर से ही आए क्या नाम है भारती कहाँ से आए सफीदों से तो क्या लगते हैं इनके इनके ये मूसा है अच्छा अच्छा तो गांव वालों जो साथ दिया वो अच्छे हाँ बहुत बढ़िया कर रखे है अच्छा जी तो गांव वालों ठीक थी गरीब आई थे बैठी थी अच्छा गाँव क्या ने बहुत काबिले तारीफ है और इस समय अपने विचारों को रखते हुए गांव के जो लोग हैं मौजूद आदमी हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं तो आप भी जो है सहायता
कर सकते हैं और भी इनके गांव वालों ने अच्छा किया। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया। तो ये जो रिलेटिव है वो जो बाहर से आए हैं और ओकर दिखाना भाई, जो बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और शादी में अभी कुछ ही देर के बाद बारात पहुँच जाएगी और सारा के सारी मैनेजमेंट जो है, खाने की बात करें या फिर धनराशि की बात करें, सूट की बात करें, और अभी जो मांग लगातार यहाँ उठाई गई थी वो कहीं ना कहीं की पूरी होती हुई गांव अड़ाणा की तस्वीरें हैं। काफ़ी अच्छा काम गाँव वासियों ने यहाँ किया है तो काबिले तारीफ है, बने रहिएगा। और बलराज हैं एक बार, उनसे भी जो है बातचीत करेंगे। देखिए बेटा ले आओ, घूमने फिरने वाले लोग हैं और जो भी गांव वाले में उसके जिनकी बढ़ चढ़ के सहायता की है गांव ने। हाँ जी, और कर ही गए हैं अभी अभी रात का प्रोग्राम है, चल ही रहे जी अभी तो सहायता का प्रोग्राम। हाँ जितना भी सहयोग होगा सारा करेंगे गांव वाले। अभी रात का प्रोग्राम है जी, इनकी बरात आने वाली है वो हमने मैनेजमेंट कर रखी है।